रही है। ताजा मामला एटा जनपद की पराग देरी के समीप काशीराम कॉलोनी का है, जहां तीन आरोपियों ने एक युवक को पुरानी रंजिश को लेकर गोली मार दी, जिससे वह लहू लुहान हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में एडमिट कराया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस जांच के बाद आरोपी पर कार्रवाई की बात कर रही है। पूरा मामला थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गाँव सीतलपुर का है, जहाँ का निवासी युवक राजेश कुमार पुत्र रामवीर सिंह किसी काम से पराग डेरी के पास स्थित काशीराम कॉलोनी में जा रहा था। तभी पुरानी रंजिश को लेकर पहले से घात लगाए बैठे सुमित और विकास ने अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ मिलकर राजेश को रास्ते में घेर लिया और उसको गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल राजेश को जिला अस्पताल में एडमिट कराया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर किया, जहां उसका इलाज अभी भी चल रहा है। वहीं घायल राजेश ने बताया कि वह काशीराम कॉलोनी में जा रहा था, तभी सुमित विकास व तीन अज्ञात लोगों ने उसे जान से मारने की नीयत से तमंचा निकाला। जब उसने तमंचा छीनने की कोशिश की तो उसने दूसरे तमंचे से गोली मार दी, जिससे राजेश के कंधे में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं अब पुलिस जांच के बाद आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। एटा से शिवम कश्यप की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राजेश। ये घटना कैसे हुई? घटना का सर, हम तो वहाँ गए, वन तमंचा निकालो, दो तमंचाए, उसने एक मैंने एक छीना और दूसरे दुकान हमने गोली मार दी। कोई बात विवाद हुआ? कोई नहीं था। आप वहाँ पहुँचे कैसे थे? क्या उन सड़कों से कोई दोस्ती थी? क्या था? ना ना, दोस्ती थी कुछ भी नहीं था, हम तो केवल बस वहाँ बैठ रहे हैं। चले गए उसके साथ, जैसे मतलब आपस में बैठे निकल के जा रहे थे। वाली बात सुनो, तो हमें का पता ही जब गोली मार दिया